बस टर्मिनल या वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, सारे भाग के उधर गए थे दूरबीन वो देख रही। पता आपको जो बलूचिस्तान में गाड़ियाँ नज़र आती हैं बिल्कुल वही नॉन कस्टम, जैसे कि यहाँ पे के पहाड़ी सिलसिला जो है ना वो कम हो गया। Maybe these are Iranian. कैसे पागल हो? ये उकड़ा सी उन्हें सेक्सी हो। नाज़रीन इमिग्रेशन हमारा क्लियर हो चुका है। इन गाड़ी में पेट्रोल ले आके यहाँ पे स्टोर किया जाता है ईरानी। भाई साहब के पास चरस बरामद हुई है, पूरा शापर चरस, इसलिए गाड़ी को इधर रोक के खड़े हैं। इस व्लॉग में आप देखेंगे ईरान की VIP बसों से लेके पंजाब के पुराने खदको तक का सफ़र। इस व्लॉग को स्टार्ट करने से लेके अब तक तकरीबन मैं 2600 किलोमीटर मुकम्मल कर चुका हूँ, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अब एंड तक देखने में ये नहीं है कि मेरा कोई एक और ऐड चल जाएगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे, बात यह कि यार शुरू से लेके एंड तक मज़ा आने वाला है यार। अस्सलाम वालेकुम जी, तैयारी वगैरह कर ली है लेकिन बाकी सारी बातें यहाँ नहीं नीचे गली में चल के करते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको छोड़ के जाते वक्त तकलीफ होती है, ये भाई भी हमारे ऐसे ही हैं। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा आदम, यकीन करो ये वाहिद अफगानी है जिसके साथ ना आए भाई बंदी हो गया। हाँ अपना चीज़ वगैरह ले, अपना ख्याल रखना, हमको दो इजाज़त, ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेगा यार, अल्लाह खैर अच्छा बंदी लगेगा। बड़ा अच्छा दिन गुजरा कसम से, बहुत तकलीफ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे यार, बहुत अच्छे बंदे हो यार, आपके साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। अब्दुल्ला खान वो जो बर्तन जहाँ पे रखे हुए हैं ना उनके नीचे देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़ रखा है वो तुम ले लो, तुम्हारे लिए तोहफा है। उन्होंने पैसे तो वैसे लिए नहीं भाई ने तोहफे के तौर पर, लेकिन फिर मैंने बर्तनों के अंदर रख दिए ताकि जब वो उठाएंगे कहेंगे यार ये खान लोग हैं दिल के बहुत खुले और बड़े होते हैं। सामान वगैरह सारा कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे तकरीबन 10-15 दिन रहा हूँ शिराज में, और अभी शिराज से मैं सीधा पाकिस्तान जाने लगा। आया तो था नए पाकिस्तान से लेकिन वापसी पुराने पाकिस्तान में हो रही, कि ये व्लॉग थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि सारे जो पिछले व्लॉग हैं वो इतने लेंथी नहीं थे, तो मैंने सोचा है और आपने आप में से भी बहुत सारे लोग जो मुझे कहते थे कि यार एक लेंथी व्लॉग भी अपलोड कर दो, तो ये व्लॉग जो है मेरा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान तक चले। ये व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फजूल कॉन्टेंट नहीं होगा भाई, बोर नहीं करूँगा, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। अभी यहाँ पर एक टर्मिनल पे आ गया हूँ, बस स्टॉप है बेसिकली ये, यहाँ से अब मुझे नमाजी स्टेशन की गाड़ी लेनी है, यहाँ से फिर मैं टर्मिनल पे जाऊँगा, टर्मिनल से फिर जैदान की गाड़ी पकड़ूंगा और जैदान जाके फिर ताफ्तान और ताफ्तान से पाकिस्तान। फाइनली जो है मैं पहुँच आया हूँ जनाब नमाजी बस स्टेशन पे, और यहाँ से मैं बस पकड़ के जाऊँगा करंदशी बस टर्मिनल पे जाना मैंने। इनको मैंने कहा वो हेल्प कर दें। यहाँ से भाई एक और बस पकड़नी पड़ेगी करंदिश बस टर्मिनल, यहाँ पे बस में बैठ गया और यहाँ से मैं वली आसर स्टेशन पे जाऊँगा, वहाँ से 77 नंबर बस लूँगा जो मुझे करंदिश बस टर्मिनल पे उतारेगी और वहाँ से फिर सीधा जैदान की तरफ। देख सकते हैं इनका काम हो रहा है जनाब, ये वेल्डिंग के साथ ना ये लाइट लगा रहे हैं और ये मशीनरी आ रही है, नमाजी स्टेशन पे काम हो रही है। अभी मैंने जिन भाई साहब से पूछा ना कि कौन सी बस में जाना है, उनको मेरी समझ नहीं आ रही थी, वो थोड़ी देर बाद अपना मोबाइल लेके आए, कॉल चल रही थी और उनकी बेटी थी शायद, उसने मुझे सारी बात इंग्लिश में पूछी और मुझे समझा दिया कि आपने फ़िलहाल फ़िलहाल बस स्टेशन पर जाना है, उसके मोबाइल पे मेरी बात हुई। मतलब इतने हेल्पफुल बंदे यार, जिसने बात करवा दी अपनी बेटी से कि आप इससे पूछ लो कहाँ कहाँ जाना है, वो इंग्लिश में समझा देगी। जिस स्टेशन से पहले मैं उतरा था उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे होगा करंदिश बस टर्मिनल,
यानी कि इतना करीब था कि मैं पैदल भी जा सकता हूँ। मैं फिर भी शायद बंदे ने गलत गाइड कर दिया कि मुझे बस एक और बस पकड़नी पड़ी, और वो बस वाला थोड़ा सा आगे गया और उसने जाके वहाँ पे उतार दिया। मतलब एक तरह का प्रैंक ही हो गया ये तो। वहाँ जाके फिर सैदान की टिकट लेते। ये रहा सारा करंदिश बस टर्मिनल, इसका गेट पता नहीं किस। भाई साहब हैं ब्रोकर टाइप, जो होकर होते हैं वो खड़े, इनका कमीशन होगा इसलिए ये प्राइस ज़्यादा लगाएंगे। ये देखो ये खड़े हैं जो, लेकिन मैं बच्चा थोड़ी ना खुद जाके पहले टिकट पता करूंगा एक दो जगह से। टिकट मैंने ले ली है, स्टेशन 24 पे मैंने जाना है, इससे जो है मुझे मेरी बस मिल जाएगी। 24 बस स्टेशन दिस वे 204 यानी 24। हाँ थोड़ी थोड़ी आ गई है, लेकिन अब जब फारसी आई है तब वक्त ख़त्म हो गया। आय हाय। अच्छा जो बस स्टेशन 24 है वहाँ पे अभी तक बस आई नहीं। यहाँ पे बस ने आना है। 14-15 घंटे का सफ़र है भाई, ठीक ठाक सफ़र है मैदान का। और लंबा होएगा लेकिन मज़ा आने वाला। आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएगी कि आप अगर शिराज आते हैं तो पुराने पाकिस्तान में कैसे आएंगे। अब ये नहीं पता जब आप आ रहे होंगे तब पुराना पाकिस्तान होगा या नया होगा, लेकिन फिलहाल तो पुराना। 180 तुमान की बेसिकली ये टिकट मिल गई थी मुझे, यानी पाकिस्तानी 1240 रुपए में। 1100 किलोमीटर टोटल है वीआईपी बस में। यार इतना बिल्कुल किराया मुनासिब है 1240 रुपए, वरना पाकिस्तान में 2500-3000 रुपए लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल महंगा है भाई, उनका भी कसूर नहीं है। अभी यहाँ से आगे निकलूँगा, तकरीबन 2 बजे का बस का टाइम, अभी तक बस आई नहीं है यार यहाँ पे। कमाल ही करते हैं यार ये लोग भी ना, बस अल्लाह माफ़ी देवे ना दे। वो बच चुके हैं लेकिन अभी तक जैदान वाली बस आके लगी नहीं, जबकि टाइम तो 2 का था। वहाँ से जाके पता किया तो वो कहती है अभी और इंतज़ार करो। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मैं बैठा हूँ और बस चली गई हो, लेकिन वो कहती कि अभी तक बस आई नहीं। दूरबीन वो देख रही, पता नहीं क्या कर रही, इसलिए बताया कि दूरबीन है। शहर वहाँ पे तो वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, सारे भाग के उधर गए थे। दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। या कह रही कि ईरान बहुत बुरा है, लोग लड़ते हैं यहाँ पे। आर यू स्टडिंग इन ईरान? फाइनली जो है वो बस आ गई है, लेकिन अभी तक खुली नहीं है। ज़ैदान गिव मी द टोकन। टोकन ना सामान तकरीबन बस में हमने रख दिया है। फाइनली जो है जी ज़ैदान के लिए गाड़ी में आके बैठ गया हूँ। ये भी बस है जनाब, और सिंगल रॉ है। सिंगल रॉ वाला काम बड़ा आसान हो जाता है कि आप इधर उधर हो तो आपको टेंशन नहीं होगी कि साथ वाला परेशान है। देखिए अभी तक शिराज टर्मिनल पे मौजूद हूँ, टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल है, ज़्यादा सर्दी नहीं है ना ही गर्मी है, फिर भी एसी चला हुआ है, लेकिन रात को ये एसी बंद कर देते हैं, बल्कि हीटर चला देते हैं, वो काम ख़राब कर देता है हमारे ये सब। और ये रहा साइड पर ये डस्टबिन के तौर पर ना इन्होंने एक शापर लगाया होता है, उसके अंदर आप रैपर वगैरह डाल। सलाम, सारे लोग देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, सारे मेरी तरफ देख रहे हैं भाई। 1100 किलोमीटर है, 15 घंटे इसी बस में गुजारने हैं, टाइम तो लगेगा। लेकिन यार एक चीज़ बड़ी ईरान की वाली है कि देखते देखते ये सफ़र इख्तिताम पज़ीर हो गया। अभी तो दिल भरा ही नहीं था यार, अभी तो आगाज़ हुआ था और एक ख्वाब की तरह सारा गुजर गया। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है, लेकिन बोर नहीं होने दूंगा आपको, टेंशन ना लो। इसको एक फिल्म टाइप बनाना है कि आप ना मज़े से हैंड फ्रियाँ लगा कर सुकून के साथ ऐसे मोबाइल पकड़ के वीडियो को देखो, मज़ा आने वाला है भाई। ये नहीं पता जब आप वीडियो देखोगे तब जिंदा भी होऊंगा कि नहीं, दुनिया में भी होऊंगा कि नहीं, लेकिन एक निशानी सही यार। वैसे मैं डायरी लिखता हूँ, मैंने लिखनी शुरू कर दी है, मेरी राइटिंग ठीक नहीं उर्दू में, लेकिन फिर भी तरला मार। बाकी भाई वाला नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत है भाई। भाई आप ये उम्मीद कभी मत रखें कि आपको बस रुकेगी और वहाँ पे पाकिस्तानी खाना मिलेगा, ये उम्मीद मत रखें। अपने लिए टर्मिनल से चीज़ें खरीद लें, वरना रस्ते में भाई ये उम्मीद ना रखें, क्योंकि सब रस्ते में महंगी मिलती है। यहाँ पे ये गाड़ी रुकी और हमने अभी तकरीबन 200 किलोमीटर का ही सफ़र तय किया है, यानी तकरीबन 900 किलोमीटर अभी बाकी है। शाम होने में से अभी 2 घंटे पड़े हैं, लेकिन ये सारी आपको जो बलूचिस्तान में गाड़ियाँ नज़र आती हैं बिल्कुल वही नॉन कस्टम जैसे उधर होती हैं, ये जनाब यहाँ पे पेट्रोल डलवा रही हैं। और यकीनन पेट्रोल भी यहाँ पे सस्ता ही है, बहुत सस्ता है, सिर्फ सस्ता नहीं, चार चौफेरे पहाड़ी सिलसिला। WC यानी सर्वसे पैदाइश वाशरूम को कहते हैं। ये आ गया बरादरान यानी मर्दाना। ये सामने गाड़ी खड़ी है हमारी और कोशिश करते हैं कि कंटीन से शायद कोई चीज़ ले लें। अभी तक जो इलाका है ना बलूचिस्तान का, उसमें इंटर नहीं हुए। लेज ले लिए और उसके साथ तुखम, सनफ्लावर भी कहते हैं वो लिए, और लेज भी विदाउट स्पाइस, नॉट स्पाइसी।
अब ये एक इलाका है, आसपास कोई आबादी नहीं, सिर्फ एक रोड है और पहाड़ी इलाका है सारा, पहाड़ी पहाड़। ये कोई पौधा है शायद एक तरह का झाड़ी, कांटों कांटों वाला। हमारे यहाँ पंजाब में ना मकान वगैरह बनाने लगे ना तो मिट्टी नहीं मिलती वो भर्थी डालने के लिए। इन पहाड़ों को देख के लगता है कि वो बंदे यहाँ पे हो ना तो ये समझ गए हो, खुश्क पहाड़ों में और चीज़ मिले ना मिले आपको ये कूड़ा करकट ज़रूर मिल जाएगा। हैरानगी वाली बात है यार, इंसान ना भी हो इंसान अपने आसार छोड़ ही जाता है जहाँ से भी गुजरता है। तो यार एक और कमाल की बात आपको बताऊँ, ये पहाड़ी सिलसिला ऐसा है जो तकरीबन क्वेटा से शुरू होता है, बल्कि क्वेटा से पहले शुरू हो जाता है और मशहद तक, तहरान और मशहद तक, बल्कि तहरान से भी आगे तक जाता है। यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए रुके हैं, 770 किलोमीटर भी बाकी और शाम भी हो चुकी है। अभी आगे कोई आबादी है या पता नहीं छोटा गांव है या शहर है जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्नल आ गए। और दूसरी बात यहाँ पे कि पहाड़ी सिलसिला जो है ना वो कम हो गया, टीले और टेले और टिब्बे जी नड़प के ने खुशक और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सब्जा, लेकिन इलाका सारा खुशक ही है भाई। यहाँ से जो सिरजान सिटी है ना वो तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है 770 किलोमीटर सुबह तक ही कंप्लीट हो, बहुत सफ़र है यार ये, लेकिन गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल है इसलिए वो सफ़र इतना ज़्यादा फील नहीं होता। सिरजान से हम निकल चुके हैं, 600 किलोमीटर बाकी है, टाइम 9:10 हुए हैं। आप इन्होंने गाड़ी को रोक लिया, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, चीज़ वगैरह खराब हो गई वो ठीक कर रहे हैं। ये स्टोर है, हाँ या आई कैन, या व्हाट्स योर नेम? आई एम, माय नेम इज शबीर अहमद। ओके, या आई एम ए ड्राइवर, हाँ तो बस ड्राइवर, या इट्स अ कैमरा। ओके, बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई मेड वीडियो ऑन यूट्यूब, यू नो यूट्यूब, यू डोंट नो? ओके, ओह इट्स ओके। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच दैट? ऑन हाउ मच टाइम? आई मेड साजान, हां अड़ गया। सेवन और एम, ओ मच फॉर दिस वन, चलो सिक ये दो ना। हां एक चार तुमान की भाई आइसक्रीम यहां पे मिली है, वो भी असल चॉकलेट यार, स्थानीय तकरीबन चार तुमान, यही कोई 15-20 रुपए। टर्मिनल है जी और ये भाई साहब मेरा सामान जबरदस्ती लेके भाग गए, कहते नहीं दो, दो मुझे दो मुझे दो। मैंने कहा मैंने ब्रश वगैरह भी करना है, फ्रेश भी होना, कहता नहीं बस दो। तो अभी यहाँ से फिर ताफ्तान, चलो फिर जल्दी पहुँच जाओ, तो मेरी सिम जो है अभी जवाब दे गई है, मतलब रब्ता नहीं हो रहा किसी के साथ। सामान अगर हम अपना बना रहे अपना, हाँ से अभी जल्दी जल्दी जाता हूँ ताकि इमिग्रेशन क्लियर हो जाए। और ये 1,00,000 तुमान ये लेते हैं, सूरज निकल रहा है लेकिन सर्दी लग रही। टोटल जो फासला है नाजरीन मेरे घर से शहराज का वो है तकरीबन 2800 किलोमीटर, जिसमें से 1100 किलोमीटर मैं कर चुका हूँ और अभी भी तकरीबन 1700 किलोमीटर करना बाकी है। सारा सफ़र आपको इसी वीडियो में नज़र आएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ ये। ट्रांसपोर्ट जैदान से पीछे सस्ती है, जैदान के आगे जाके महंगी हो जाती है। ये जो टैक्सी माफिया है ना ये प्राइस बढ़ा देता है हर चीज़ की। अब ये देखो लाख तुमान ले रहे हैं, लाख नहीं लेना चाहिए, 40-50 हज़ार तुमान काफ़ी है, लेकिन अब लाख मांग रहे हैं और मजबूरी भी यही कि हमें जाना भी होता है तो फिर इनको देने पड़ते। जैदान बेसिकली जो है ना वो बलूचिस्तान प्रोविंस जो है उसका एक शहर है, और बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ईरान में भी है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप ईरान आए ना, अपने ईरान के किसी भी हिस्से में क्यों नहीं जाना है, किसी भी शहर में क्यों नहीं जाना है, आपको हर शहर के लिए यहाँ से गाड़ी यहाँ से बस मिल जाएगी। चीज़ का ख्याल रखिए आप जब भी यहाँ पे आए, ने कभी भी आकर या वो जो बाहर खड़े होते हैं जो ऐसे सवारियों को ले जाते हैं कमीशन के थ्रू, टिकट नहीं करवानी। तो आपको कहेंगे सर आप यहाँ पे बैठे और हम आपके लिए टिकट लेके आते हैं, तो करवानी अल्लाह ने अकल दिया है, उनको बोलो नहीं जाके करवा लेगा। बाकी इलाका बड़ा अच्छा है, अफवाहें ज़्यादा फैली हुई हैं इन इलाकों के बारे में, उतना कुछ है नहीं। अगर कुछ मामलात हैं तो इंशाल्लाह हम उसको एक अलग वीडियो में डिस्कस ज़रूर करें। मेबी दीज आर ईरानियन,
These are all Iranian. यार ये देखो मलाक्सी हो ना अकेले हो कैसे पागल हो ये उकड़ा सी हो ना सेक्सी हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो मैं ब्लैक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं बेचारे एक बच्चा है जो दो नोट दे के कहता कि गोप्रो मुझे दे दो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन फाइनली जो हम ताफ्तान बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं लेकिन हम ईरान वाली साइड पे हैं पुराने पाकिस्तान में अभी कदम रखने वाले हैं जब आए थे तब तो नया पाकिस्तान तो देखते हैं आप पुराने पाकिस्तान में महंगाई क्या कह रही है जो कहते थे महंगाई बहुत ज्यादा आप देखेंगे नाम क्या हमें मिलता है वैसे इस ब्लॉग को गैर सियासी रखना है लेकिन बाकी वो सामने परचम रहा और दूसरी साइड पे मेरा सोना पाकिस्तान जिंदाबाद भाई चलो इमिग्रेशन क्लियर करके फिर आपसे बात जी पुराने पाकिस्तान में इंटर हो गए हैं नाज़रीन इमिग्रेशन हमारा क्लियर हो चुका है पहले पहले थोड़ा डिफिकल्ट था पूछा उन्होंने यूट्यूब का कार्ड देखा चैनल देखा जहाँ पे गए थे वो कितना दूर है उसने सारी डिटेल लिखी और मैं उठा उससे सलाम लेने के लिए और उसने ऐसे मिला जब भी डाली और कहता ठीक है अब चले जाओ अच्छा काम नहीं है पाकिस्तानी कस्टम भी जलालत जे करते हैं वो भी इंटरटेन करते हैं खुद को वो इंटरटेनमेंट के लिए बैठे बस ठीक है जी खुद उन्होंने की थी रखा जी चलो हम भी क्या है यार कौन सा रोज़ रोज़ आना है कर लें जितना जलील करना है मैं कह यार जो है ना मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी मैंने कहा यार ये जो जैसे कर रहे हैं ना मैं करूँगा इसके साथ लेकिन फिर बाद में जब वो मिला है ना मैं कह ले अभी सारे गम भूल के आ जाते ताफ्तान से क्वेटा की गाड़ी लेते हैं क्वेटा पहुँचते हैं फिर आगे अभी ATM पे पैसे निकलवाने ताफ्तान में वैसे ये एक ही ATM है और यहाँ से हमने पैसे निकलवा लिए हैं दोबारा टिकट करवाते हैं क्वेटा शाम डल रही है और यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला भी है वो एक साइड पे ख़त्म हो गया पर आप एक खूबसूरत खूबसूरत व्यू देखें यार ये देखें क्या कमाल है सामने देखो जी गंदम वगैरह काश्त की हुई यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ये कोई यक माछी यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे खाना जो है ना महंगा बहुत होता है इन सहराओं में आपको सब्ज़ा मिले ना मिले सब्ज़ कलर की काबली गाड़ियाँ ज़रूर मिलेंगी जिनके ऊपर सब्ज़ रंग की कैने डीजल और पेट्रोल की भरी होंगी जो कि ईरानी होगा अब यहाँ पे देख सकते ड्राम ही ड्राम नज़र आए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन फाइनली हम पहुँच चुके हैं जी ज़िला चागी में आपको याद होगा अगर आपके मुताला या नॉलेज अच्छी है ये चागी वही इलाका है जनाब जहाँ पे पाकिस्तान ने एटम से धमाके का तजर्बा किया पेट्रोल 150 रुपये लीटर क्या हाल है हाँ कैमरा है तो ये सारा पहाड़ी इलाका है जनाब लेकिन इसमें कुछ मैदानी यानी रेगिस्तान टाइप भी है और पहाड़ी टाइप भी यानी दोनों तरह का है इन गाड़ी में पेट्रोल ले आके यहाँ पे स्टोर किया जाता है ईरानी जनाब बारो बार ही कर लो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं जनाब 2 नंबर गली क्वेटा में तकरीबन 10 बजने वाले हैं और 10 बजे हम यहाँ पे पहुंचे हैं पहले मेरा इरादा था कि मैं डायरेक्ट मुल्तान निकल जाऊं लेकिन अब मैंने इरादा डिले कर दिया है सुबह वहाँ से निकल के फिर मुल्तान की तरफ सफ़र का आगाज़ करेंगे 1700 किलोमीटर हो गया 1000 किलोमीटर अभी बाकी है इस टाइम हम बैठे हैं क्वेटा में चिकन रोल और बिरयानी के साथ इफ्तारी ये मार्केट है एक लैपटॉप और तकरीबन LCD वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है ये 50 इंच होलसेल रेट 30,000 ये वाला शबाज शरीफ सस्ता ही करो महंगाई है महंगाई बहुत महंगाई है गरीब तबाह है ठीक हाँ बोल दिया सुन लिया जी ये लोरालाई में फाइनली हम पहुंच गए हैं जी और लोरालाई तकरीबन क्वेटा से 150-200 किलोमीटर दूर है काफ़ी जल्दी गाड़ी ने पहुंचा दिया था इतना टाइम नहीं लगाया पर रास्ते में एक सीन हो गया था इनके साथ किसी ने ना पत्थर मार दिया किसी बच्चे ने इस साइड पे ये देख सकते हैं ये सामने इधर अभी बलूचिस्तान में है लेकिन ये इलाका गर्म नहीं है ठंडा है लोरालाई वाला ज़्यारत के बाद ही आ जाती है लोरालाई लेकिन चूँकि बलूचिस्तान एक वसी सूबा है तो इसीलिए फिर जो एक शहर दूसरे शहर से काफ़ी दूर पड़ जाता है वो हमारे वाला सीन तो है नहीं कि 10-20 किलोमीटर बाद एक शहर आ जाएगा लाइक एक होटल है जहाँ पे इफ्तारी के लिए यहाँ पे आए बिरयानी वगैरह अच्छी बलूचिस्तान की ट्राई करने लगे मैं काफ़ी देर से ना ये खाली टीन पैक लेके इधर डस्टबिन ढूंढता फिर रहा हूँ कि कहाँ पे है जहाँ फेंकूँ बाद में याद आया कि ये ईरान नहीं पाकिस्तान है डस्टबिन रखी हुई नहीं है फिर फेंकें कहाँ
लड़का है, पता नहीं कौन था, उसने मुंह में नसवार रखी और मेरे ऊपर ऐसे पिचकारी मार के चला गया हाथ के ऊपर। अजीब लोग हैं यार, वो भाग गया फौरन कहीं। चरस थी कितनी थी? इतना शापर बरामद। भाई साहब के पास चरस बरामद हुई है, पूरा शापर चरस का, इसलिए गाड़ी को इधर रोक के खड़े। 1.5 से 2 किलो चरस थी, मुझे भाई साहब लेके जा रहे थे लोरा लाई में। भाई मान नहीं रहा, कहता मेरी तो है नहीं। तो फिर अब CCTV कैमरा लगा उसके रिकॉर्डिंग चेक कर। फाइनली जी हम 50 मिनट हो चुके हैं टीजी खान के इलाके में आए हैं। इस टाइम मुल्तान शायद 3-4 बजे पहुंचूंगा। मज़ा आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर्दी नहीं, वरना ईरान के जिस स्टॉप पे भी बाहर निकलते थे तकरीबन बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती थी। फाइनली जो है मुल्तान स्टेशन पे मैं उतर चुका हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे उतनी सर्दी नहीं है जितनी ईरान में। व्लॉग का अख्ताम भावलनगर पहुँच के ही करेंगे। ये सामने गाड़ी रही थी, ये है भी वो जो ऐसे बंदे को ना जो डर लगता है कि जन्नतुल फिरदौस में ना पहुंचा रहा। ये गाड़ी जो है मुझे बहावल नगर से आके मिंचनाबाद में उतरा, लेकिन सफ़र मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसा होगा इस पर। इसके साथ ही सामने पाक पतन वाली खड़ी है, मैंने इनसे भी पूछा कि यार पाक पतन मतलब मैंने बहावल नगर जाना, मुझे पता वो सामने गाड़ी खड़ी है। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो इधर होती नहीं, आप जो है ना आरफ आरा से पाक पतन चले जाना हमारे साथ बैठ। ठीक है यार, सही जो है ना हर बंदे को लूटने का प्लान ना रखा हर बंदे ने। बाकी 4 बजे गाड़ी निकलनी है, हाँ से भी 2-2.5 हुए यानी 1.5 घंटा भी और बाकी है। ये तकरीबन मिंचनाबाद 4-5 घंटों में सुबह 10-11 बजे पहुँचाएगी इंशाल्लाह। मंजे पे बैठ के जनाब हल्का फुल्का खाना खा लिया है, उसके बाद यार एक चाय बनाओ यार, जो कहीं ना देख लो वीडियो का देख लो। यकीन करें महीना हो गया और पता नहीं कितने दिनों से मैं तरस रहा था इस चारपाई के ऊपर बैठने को। ऐसा रेडी पे बैठ के खाना कितना अरसा पहले खाया करते थे जब स्कूल या कॉलेज में थे, कति गुजर गया यार। ईरान में बंदा जितना भी जदीद चला जाए फिर दोबारा इन चीज़ों की याद आती ही आती है। बड़ा अच्छा फील हो रहा है भाई। इंशाल्लाह अभी व्लॉग का इख्तिताम मिंचनाबाद अपने इलाके में पहुँच के ही करूँगा, क्योंकि मैंने आगाज़ ईरान से किया था तो इख्तिताम अपने इलाके में ही करूँ। ये मैंने पहले बताया था कि व्लॉग थोड़ा लेंथी होने वाला है। इस व्लॉग को स्टार्ट करने से लेके अब तक तकरीबन मैं 2600 किलोमीटर मुकम्मल कर चुका हूँ। 3 दिन पहले मैंने सफ़र का आगाज़ किया था, इस दौरान एक रात मुझे सफ़र के दौरान हुई और एक रात मैंने क्वेटा में गुजारी है। यहाँ से 200 किलोमीटर अभी और मज़ीद करूँगा और घर पहुँच जाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। बात यह कि यार अगर आगाज़ वहाँ से किया तो इख्तिताम जो है ना वो अपने इलाके में पहुँच के होना चाहिए। इस ज़मीन पे पहुंच के ना फीलिंग ही और। बात सच्ची है कि उधर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुश्की होने की वजह से ना अंदर वो स्माइल वो चीज़ें नहीं होती जो पता नहीं क्यों इधर पाकिस्तान में पांव रखते ही बंदा वैसे उछलने लग जाता है यार। तो जी फाइनली मैं गाड़ी में बैठ गया, जब तक सवारियाँ पूरी नहीं होंगी ये इन्होंने तो निकलना नहीं है। कोई ईरान वाला सिस्टम तो है नहीं कि वो अड्डे पर रुकने नहीं देंगे, ये अड्डे पर ना भी इनको रुकने दें साइड से सवारियाँ इकट्ठी कर लेंगे। 200 किलोमीटर का सफ़र है, 4-5 घंटों में पहुँचा ही देंगे, ये भी इनका एहसान होगा। पर सीन ये है कि यार जब ये थोड़ा तेज़ चलाते हैं ना तो सर जो है ना ये सीधा इसके अंदर लगता है ऐसे, तो जैसे ना वो जामुन होते हैं ना रेडी वाले से लेने जाएं और बोतल में नमक डाल के इसको हिलाता है उन्हें और जामुन इसी तरह टकराते हैं, तो बंदे भी जामन की तरह इसके अंदर डांस करते हैं और ये बोतल की तरह ही है, बस यही सीन समझ ले। चाह रहा था कि मतलब जितना मैंने ईरान में सुकून किया है या ईरान वाला जो सफ़र है ना वो बिल्कुल आरामदायक ऐसे गुजरा था, तो जिस्म के जो सारे पार्ट्स हैं वो जम गए थे एक जगह पे। इस गाड़ी में थोड़ी हलचल होगी तो वो सारे पार्ट्स भी आगे पीछे हो के अपनी असल जगह पर आ जाएंगे, तो इसीलिए यही मेन मकसद था इस गाड़ी में सफ़र करने का। समझ तो गए होंगे, अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फाइनली जी मैं अड्डे पे पहुंच आया हूँ मिंचनाबाद, और यहाँ से तकरीबन मेरा घर 8 किलोमीटर दूर है, और शिराज से जो हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ था वो यहाँ पे आज एक इख्तिताम पसीर होता है। और इस ज़मीन पे उतरने के बाद एक फीलिंग ही वखरी सी है, मतलब बड़ी सुकून की फीलिंग है। जैसे ये नाला आप देख सकते हैं गंदा नाला जा रहा है, जब तक इसकी स्मेल हमारे नाक में ना जाए सुकून ही नहीं आता। उधर सफाई थी, साफ़ सुथरा माहौल था, तो वो मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब इधर दिल लग गया। चलो खैर मैं जल्दी से ये कर लूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए डेस्टिनेशन। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। ओके।